नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओ हैप्पी जहांगीरी सदा, और हमारे फूल गंगा में चले गए, तो क्या वो फूल दोबारा आएंगे लंगर लगाने? नहीं आएंगे। ये कोठी, ये बंगला, ये जमीन, ये जायदाद, ये मान, ये सम्मान सब यही का यही पड़ा रह जाएगा या नहीं पड़ा रहेगा? अगर जीते जी जो बंदा परमार्थ कर गया, सत्संग कर गया, दान दक्षिणा सेवा पूजा तीर्थ ये सब कुछ कर गया अपने जीते जी, तो वो जाएगा उसके साथ में, उसका जन्म जहां मर्जी होगा, उसका लोक परलोक जहां बनेगा वो उसके साथ जाएगा। तो जितना हमारे से नाम जप हो जाए, जितना हमसे कीर्तन हो जाए, जितना हमसे सत्कर्म हो जाए, ये रिजर्व बैंक ऐसा है ठाकुर जी का, उसका खाता बहुत तकड़ा है। तो जिस लायक उस प्रभु ने हमें बनाया है, उस लायक हम अपने सनातन धर्म में प्रभु हमारे हाथ से भी कोई सेवा हो जाए, इस शरीर से, इस पापी शरीर से भी कोई सेवा हो जाए, नाम जप हो जाए, तो हम सब लोग 22 जनवरी को, 22 जनवरी तो आएगी, लेकिन 22 जनवरी तक हमने अपने अपने क्षेत्र में इस सूचना को इतना देना कि ताकि हमारे मोहल्लों से, हमारे गांव से लोग यहां पहुंचे और यहां लाइव टेलीकास्ट एलईडी पर जो जो वहां प्राण प्रतिष्ठा का वो दिखाया जाएगा। यहां पर गीत संगीत की टीम आएगी, यहां सत्संग होगा, यहां प्रसाद की व्यवस्था होगी, आगे ही बताएंगे। और आपसे कुछ सवाल या जवाब कुछ होंगे, हमारे प्रधान जी जो कि सनातन के बहुत प्रेमी हैं, पूरी कर्मठता के साथ ये इस मार्ग पर चल रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं और ठाकुर जी का आशीर्वाद इनके साथ रहे। सत सनातन धर्म की जय, शंकराचार्य महाराज की जय, भगवान राम जी की जय। सर्वप्रथम साढ़े च विराजमान शास्त्री जी, सूर्य शास्त्री जी, मैं यात्रा गए हैं तो पहले इनके को गया हाँ, और साड़ी चर्चा हुई आप जरा प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम आवा 22 जनवरी की, वो क्यों ना असि अच्छे स्तर खोल में करिए। तो इन्हें आख्या कि बहुत ही अच्छे विचार ने, और साड़ी कोशिश है कि जरा लाइव उत्थे चलना, वो लाइव इतने दसीए, बड़ी एलईडी बॉल लाई है, और उसके करने करने क्या है गुरु जी के जेडे विचार ने, मैं लिखना कि बड़ी ज्ञानी होती है, क्योंकि मैं तो सारे जिया ज्यादा को ज्यादा इतने सारे आए दे, और मैं बचपन का देखता वा ना, क्योंकि साड़ी दादी जी उनका भी अपना जी है, तुम अज सारे किटे हो दे भी इंजे किटे होंगे रहे, और उनकी भी सोच यही है कि सारी एक अगर सनातन उठे है तो वह महिला के अकॉर्डिंग है, क्योंकि उन्हें उस वेले भी अपना एक ग्रुप बनाया होंगे और हर मसिया पर सा सत्संग होंगे रहा, और गुरु महाराज जी साढ़े घर आई है और अपने जो वचन, अगर असं भी कुछ सा त्यौहार सनातन वाली साइड है तो यह दादी जी की देन है, दादी जी ने दिता,
और इस करिए अस चाहते हैं कि चलो साढ़े बच्चे जो छोटे ने वह भी ज्यादा को ज्यादा बच्चे इतने आन, साढ़िया बच्चिया भी आन और उस अस भी अपना परिवार भी सारा लिया इतने और जरा भी भगवान राम जी का जरा उस दिन प्राण प्रतिष्ठा का प्राण प्रतिष्ठा होता मतलब उसके साक्षात भगवान राम जी ने प्रवेश करना उस दिन और मोदी जी साढ़े देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो आपे उस दिन उसका उद्घाटन करा देने और बड़ी अच्छी गल है एक साढ़े सारे लिए और अस आपे जिन्हें भी लोग बैठे हैं अस अपने आप ही धन्य साढ़े भाग्य समझने क्योंकि साढ़े टाइम के एडा वा जो 500 साल पुराना जरा एक राम मंदिर का जरा एक मसला हा वो साढ़े टाइम चाह सूरज और राम मंदिर भी साढ़े टाइम बनया ये साढ़े लिए बड़ी एक मतलब शुभ घड़ी है और अस सारे इस दिन की बड़े अच्छे ढंग ने मनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उसी एक दिवाली को भी ज्यादा बढ़िया मनाइए क्योंकि दिवाली तेजस्वी प्रतापी बलवान दया बहादुर शेर जिसकी बाजू के बल का सिक्का सारा संसार मानता है। मैं वह रावण हूं जिसने अपनी दक्षता से जमीन और आसमान को हिला दिया, देखो को तय खाक मिला दिया, जिस तरफ बढ़ गया उस तरफ मिटा के छोड़ा मैंने, जुस दिया फूक दिया रात मिला के छोड़ा मैंने। श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, तीनों लोक धन्य है, देव का प्रसन्न है, ओ दुश्मन की एक ना चली, श्री राम जी की सेना चली।